नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंटर परीक्षा के पहले दिन 74 स्टूडेंट्स हुए निष्कासित। सबसे ज्यादा जमुई में नकल करते हुए पकड़े गए छात्र। मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा बिहार में आयोजित की गई। इंटर परीक्षा के पहले दिन राज्य के 16 जिलों में 74 स्टूडेंट्स निष्कासित किए गए। जमुई में सबसे ज्यादा छात्र नकल करते पकड़े गए। बिहार में इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से मंगलवार को शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन कदाचार के आरोप में कुल 74 छात्रों को परीक्षा से निष्कासित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार मधेपुरा और भोजपुर में 9-9, सुपौल और भागलपुर में 4-4, नालंदा में 11, सिवान, खगड़िया, नवादा, बांका, मधुबनी, रोहतास में 1, सहरसा और गया में 2-2, जमुई में 17, सारण और वैशाली में 5-5 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। इन 16 जिलों के अलावे बाकी बचे जिलों में आयोजित इंटर परीक्षा में किसी छात्र के निष्कासित होने की सूचना नहीं है। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हो सके इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कड़ाके के ठंड के बावजूद इंटर परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। बिहार में स्कूलों को खोलने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने दी सहमति, सरकार लेगी फैसला। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी है। बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर लगभग खत्म होने की कगार पर है, और इसके साथ ही सभी स्कूलों को वापस से खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल बिहार में सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद है। 6 फरवरी के बाद से गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 7 फरवरी से खोले जाने की संभावना दिख रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी। शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से सहमति दे दी है। स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग भी तैयार है, और अब आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। 5 फरवरी को बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ही 6 फरवरी के बाद ही गाइडलाइन पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि स्कूल और कोचिंग कॉलेज खुल जाएंगे। बिहार में लैब टेक्नीशियन की बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 1 सप्ताह के भीतर बहाली को पूरा करने का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। 21 जून 2015 को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। लैब टेक्नीशियन के पद के लिए कुल 1772 रिक्तियां थी, इसके बावजूद एक भी बहाली नहीं की गई थी। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का आग्रह किया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 10 फरवरी को, लालू यादव भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 10 फरवरी को पटना में की जाएगी। इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शीर्ष संगठन चुनाव के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शिरकत करेंगे। लालू यादव इस समय दिल्ली में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन चुनावों को लेकर पार्टी को लोक नीति पर भी विचार किया जाएगा, उसका दस्तावेज तैयार किया जाएगा। राजद की आर्थिक, विदेश, घरेलू, रक्षा मामलों पर क्या नीति होगी, इसकी जानकारी साझा सार्वजनिक की जाएगी। इसमें राजद की सदस्यता अभियान चलाने की रणनीति पर भी काम होगा। वहीं मंगलवार को इस संदर्भ में तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस संदर्भ में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक की है।
आरआरबी एनटीपीसी का मामला जांच के लिए दिल्ली से आज आ रही है टीम। 100 परीक्षार्थियों को नोटिस देकर बुलाया। इस वक्त की बड़ी खबर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आ रही है, जहां आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा ने गड़बड़ी की जांच के लिए दिल्ली से उच्च स्तरीय टीम को आज यानी कि 3 फरवरी को पटना के साथ ही मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दानापुर, सोनपुर, दरभंगा, गया, समस्तीपुर और धनबाद के लिए बुलाई है। आरआरबी एनटीपीसी की टीम सुबह सबसे पहले पटना पहुंचेगी। यहां से लीची बगान स्थित आरआरबी कार्यालय मुजफ्फरपुर जाएगी। रेलवे अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए आरआरबी की ओर से करीब 100 परीक्षार्थियों को भी नोटिस भेजकर बुलाया गया है। ये परीक्षार्थी टीम के सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। जिन जिन स्टेशनों व शहरों में हंगामा हुआ है वहां के लोकल अफसरों से भी हाई पावर कमेटी फीडबैक लेगी। आरआरबी के सहायक सचिव राजकुमार सिंह ने बताया कि टीम परीक्षार्थियों से जानकारी लेने के बाद परीक्षा के विभिन्न पहलुओं की भी जांच कर उनकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। बिहार के सरकारी कार्यालय परिसर में शराब और कोरिक्स की खाली बोतलें खोल रही है शराबबंदी की पोल। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन ये शराब और कोरिक्स की खाली बोतलें कुछ और ही बयां कर रही है। तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले से सामने आ रही है, जहां जिला प्रशासन के नाक के नीचे शराब और कोरिक्स की ये सैकड़ों खाली बोतलें बिहार में लागू शराबबंदी की हकीकत बताने के लिए काफी है। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर के पीछे जिला कर्मचारी संघ कार्यालय के प्रांगण में सैकड़ों शराब और कोरिक्स की खाली बोतलें बिहार में लागू शराबबंदी पर कई सवाल खड़े कर रही है। यहां के आसपास के लोगों ने बताया कि यहां के कर्मचारी सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए ऑफिस आते हैं और फिर ईद के चांद हो जाते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि चंद कदम की दूरी पर रजिस्ट्री ऑफिस है, यहां जमीन रजिस्ट्री कराने वाले लोग काफी संख्या में रोजाना आते हैं और उन्हीं लोगों द्वारा परिसर में अवस्थित होटलों में शराब एवं कोरिक्स का सेवन किया जाता है और खाली बोतल इधर उधर फेंक दिया जाता है। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर, अब नीतीश सरकार देगी प्रमोशन। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है। लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सभी अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोमवार को ही इस बाबत पर सरकार ने बैठक की है और विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में प्रमोशन को लेकर बैठक बुलाई गई थी। उधर सामान्य प्रशासन विभाग में सोमवार को ही पत्र जारी करते हुए सभी विभागों में 30 फरवरी तक के राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अलग अलग सेवाओं से संबंधित कैडर और ब्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मियों का आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉलिंग से हुई इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जुड़े हुए थे। प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया था। आदेश के बाद राज्यों में प्रमोशन की कार्रवाई जो लंबे अरसे से रुकी पड़ी थी उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। संविदा कर्मियों को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्विस बुक बनेगी। बिहार में 4.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने अब संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की पूरी जानकारी रखने का फैसला किया है। इन संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का फैसला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसका प्रारूप जारी कर दिया है, साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया गया है। सेविका पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी होगी, जिसमें नाम पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर छुट्टी तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के संविदा कर्मियों का सर्विस बुक रहेगा, हर 5 साल पर इसे अपडेट किया जाएगा। संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका फैसले को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि सरकार आने वाले वक्त में संविदा कर्मियों को अन्य तरह के लाभ भी दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को इससे संबंधित आदेश भी जारी किया गया है। इसे कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सितंबर 2018 और जनवरी 2021 को लेकर नियोजित कर्मचारियों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया गया था। इस बात पर ध्यान रखते हुए संविदा पर बहाल होने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना, 4 फरवरी को मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट। बिहार में कड़ाके की सर्दी के बीच एक बार फिर से बिहार में मौसम बदलने वाला है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना के पारे में बदलाव देखने को मिला। प्रदेश में 3 फरवरी को पटना समेत 30 जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार है। साथ ही 4 फरवरी को जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार है। इसको देखते हुए पटना मौसम विभाग ने इन जगहों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन पटना का अधिकतम
तापमान सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट के साथ 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री गिरावट के साथ 10 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जहां पटना और गया में सुबह के कोहरे के कारण 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई, वहीं गया के अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट देखी गई। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब बदल गए नियम। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। एक कैटेगरी में 80 साल उम्र से अधिक पेंशनर रखे गए हैं तो दूसरी कैटेगरी में 80 साल उम्र से कम के पेंशनर। अब 80 साल उम्र के अधिक पेंशनरों को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक हो उन्हें 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पहले सभी उम्र के पेंशनरों को 1 नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत्ति कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ा था, लेकिन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में भी बदलाव किया जा रहा है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।